Let's solve question number 15, which says that if 5 raised to the power 3x is 125 and 10 raised to the power 5 is 0.001, find x and y. तो इसको करने के लिए हम इन्हें फर्स्ट पार्ट में इसे भी 5 की पावर में रिजॉल्व कर लेंगे. सो 5 raised to the power 3, इतना हमें पता है 5 raised to the power 3 is equal to 125. तो ये 5 और 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा इक्वल 3 के एंड x क्या आ जाएगा 1, 3 by 3 is 1. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा. पहले हम 1 को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये 1/1000 आ जाएगा, राइट. 0.001 किसके इक्वल होता है, 1/1000 के इक्वल. अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1000 रेज टू पावर माइनस 1 इसे हम, राइट, क्योंकि हमने इसे ऊपर भेज दिया, हमें इसने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया. अब इसे हम 10 की पावर में लिखेंगे. तो 10 रेज टू पावर 3 क्या होता है, वॉट, 10 रेज टू पावर 3 इज 1000 एंड माइनस 1 हो रहा है, अभी तक है, ये हो जाएगा माइनस 3. अब यहाँ से क्या है, 10 और 10 कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस 3. सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है. हमारे पास 15 क्वेश्चन में x 1 आ गया एंड y जो है हमारे पास माइनस 3 आ गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.